न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। गोरखपुर जिले में भी फूटा कोरोना बम, एक साथ मिले 84 कोरोना पॉजिटिव मरीज। आरएमआरसी के सीनियर वैज्ञानिक कमिश्नर की पीए की पत्नी और बेटी भी कोरोना संक्रमितों में है शामिल। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या 632, एक्टिव केस है 238। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। लॉकडाउन की स्थिति का जायजा लेने निकले डीएम और एसएसपी ने लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील। डीएम ने कहा, कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने में दें अपना सहयोग, घरों से ना निकले बाहर। प्रदेश सरकार के निर्देश पर लगाए गए लॉकडाउन के मद्देनजर शनिवार को महानगर की सड़कों पर पसरा रहा सन्नाटा। डीआईजी रेंज ने लिया लॉकडाउन की स्थिति का जायजा, कहा कड़ाई से कराया जाएगा लॉकडाउन का पालन। कोविड-19 वैश्विक महामारी के बढ़ते संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए पूरे प्रदेश में 2 दिन के लिए किया गया लॉकडाउन। एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा, बिना आकस्मिक सेवाओं के बाहर घूमते मिले तो सख्ती से निपटेगा पुलिस प्रशासन। कोविड-19 व बाढ़ के दृष्टिगत कलेक्ट्रेट परिसर में बनाए गए कंट्रोल रूम में पुलिस, स्वास्थ्य, विद्युत विभाग सहित विभिन्न विभागों के कर्मचारी लगातार कर रहे हैं ड्यूटी। एडीएम फाइनेंस ने कहा, कोरोना के संक्रमण के साथ बाढ़ की स्थिति पर भी रखी जा रही है नजर, संक्रमण के चक्र को तोड़ने के लिए करें लॉकडाउन का पालन। महानगर में शनिवार को लॉकडाउन का पुलिस ने कराया सख्ती से पालन। एसपी सिटी ने कहा, बेवजह घरों से निकलने वालों के खिलाफ की जाएगी विधिक कार्रवाई। लॉकडाउन में शनिवार को पूर्व की भांति खुली रही बहवा सब्जी मंडी। फल सब्जी विक्रेता एसोसिएशन के महामंत्री ने जनता से की अपील, कहा घरों में रहें, होम डिलीवरी के माध्यम से घरों तक पहुंचाई जाएगी सब्जियां। कैंपियरगंज सर्किल क्षेत्र में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने के लिए सीओ कैंपियरगंज दिनेश कुमार सिंह ने सर्किल क्षेत्र में बने सभी बैरियरों का किया निरीक्षण। लोगों से अपने घरों में रहने की अपील। प्रदेश सरकार के 55 घंटे के लिए लॉकडाउन की घोषणा पर सभी दुकानों, प्रतिष्ठानों और दफ्तरों को किया गया सैनिटाइज, ताकि कोरोना के वायरस को किया जा सके समाप्त। और गोरखपुर वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग 29 पर खराब हुए रोडवेज बस के साथ ही ट्रक का पहिया भी गड्ढे में धंसा। आवागमन हुआ बाधित, घंटों लगी रही वाहनों की लंबी कतारें। वैकल्पिक मार्ग तैयार कर आवागमन कराया गया चालू।